अभी बोलते हैं एनडीए का गठबंधन और बहू रानी के साथ में तो नहीं आई है पचास हजार वोट से आप नीचे रहिएगा हाँ समाजवादी पार्टी से मेरा चल रहा था वार्ता लेकिन एन मौका मिलूंगे इतना गेम खेला रे बाप हम तो जानता भी नहीं था ऐसा भी होता है हमको तो नॉमिनेशन के लिए रोक दिया है लोग चुनौती कहाँ होता है जहाँ प्यार है गरीब का जहां प्यार है हर वर्ग हर धर्म का जहाँ प्यार है गोलगप्पा वाला का जहाँ प्यार है टेम्पू वाला का जहाँ प्यार है उम्मीद है चंदन यादव से तो वहां चुनौती किस चीज की होगी आज का भीड़ देखे चंदन यादव का वो लोग को सिर्फ पता चला और हमने खबर भिजवाया कि आपका भाई आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है तो वो मजबूती से अपने जैसे तैसे करके इस बारिश में आने का काम किया और ये बताया कि चंदन यादव मत घबड़ाना और तुमको जीतना होगा और संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ तो चुनौती कुछ नहीं है ठीक है लड़ाई है लोकतंत्र है इसमें लड़ाई लड़ेंगे हर दरवाजा हर घर जाएगा चंदन यादव जाता था ये तो नेताजी अभी कुछ कुछ घर जाएंगे नोट फेंकेंगे रुपया फेंकेंगे तीन पच करेगा लेकिन चंदन यादव के लिए पूर्वी नया नहीं है भाई रात दो दो बजे चंदन यादव खटा है काम किया जब चुनाव नहीं था तब चंदन जी आपके जो चुनावी भीड़ है उसमें ठेले वाले खमोचे वाले आइसक्रीम वाले ऐसे लोग थे ऐसे वर्ग के लोग थे सर्वसाधारण निम्न वर्ग से आने वाले गरीब लोग थे इस पर क्या कहना क्या चाहिए आप आपके रैली में कोई बाहुबली या किसी प्रकार का कोई बहुत बड़े लोग व्यापारी लोग नहीं थे क्यों रहेगा बाहुबली का नाक में दम किया व चंदन यादव बाहुबली आएगा आए? पैसा वाला आएगा चोरी करके पैसा कमाने वाला भाजपा का बगल में बैठा था देखे थे कि नहीं, बाहुबली बैठा था? बताओ भाजपा के लोग, बगल में बैठा के बाहुबली बनते हो ताकत नहीं था भाजपा हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे चंदन यादव भाजपा का, का कल नॉमिनेशन कौन बगल में बैठा था कौन अगल में बैठा था पता करो देखो आप न्यूज चलाए हो हम भी देखे हैं हम डरते हैं मेरे साथ गरीब रहेगा मेरे साथ हर जाति या धर्म के लोग जो हिंदुस्तान की मानवता अखंडता पर विश्वास करते वो चंदन यादव का साथ है हम क्या गुंडा को बुलाएगा फिर कल का डेट में जीतेगा तो गुंडा बोलेगा ना भैया कल तो आप आए थे हम हम तो एक काम करेंगे हम तो फंस गया बुलाएगा तो फंसे ना जाएगा वादा करेगा उससे भी फिर और चंदन यादव वादा ऐसा करता है डंका बजा के वादा करता है कि बोला तो किया तब ना गरीब आया है और बहुबली और, और अब बोले पैसा वाला पैसा वाला क्यों चाहेगा कि हम जीते चूंकि बेच रहा है ड्रग्स का धंधा कौन कर रहा है अब पता करो गांजा का धंधा कौन कर रहा है लेकिन माँ की कसम मेरी जनता जानती है और हम जानते हैं मेरा आत्मा जानता है आज अट्ठारह दिन से चंदन यादव एक घंटा नहीं सोया जरूर मेरा चेहरा उतरा है लड़ाई हम जानते हैं लड़ाई ये फिर शक्तियों से है तो ये बाहुबली भाजपा से पूछिए बाहुबली को बैठा लेते हैं और वही बाहुबली कभी सरयू राय में घुस जाता है बताइए किस टाइप के लोग को डर है रे भैया बताइए तो बहुबली को बैठाता तो फल को बैठाता लेकिन कल हम चूंकि हमारा आज नॉमिनेशन था और हमारा परमिशन लेने के लिए कल हम गए हम सारे लोगों से मिले क्योंकि हम लोग इंसान है यार लोकतंत्र में हर लोगों की लड़ने की ये होनी चाहिए ख्वाहिश होनी चाहिए और हमको तो खुशी हुआ है कि बयालीस चालीस से बयालीस प्रत्याशी युवा है जमशेदपुर पूर्वी युवा प्रत्याशी आ रहा है और जरूर अभी से चंदन यादव उसको इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए उनको हम बधाई देते हैं लेकिन लड़ाई तो लड़ेंगे मज, मजबूती से लड़ाएंगे भाजपा का क्या क्या करनी है जनता को बताएंगे डॉक्टर अजय कुमार क्या क्या करते हैं दिन में रात में सुबह में शाम में सब बताएंगे है प्रमाण के साथ बताएंगे यार आपकी कोई बूथ कमेटी नहीं है आपके कार्यकर्ता गण नहीं है आपके कोई बूथ लेवल पर काम नहीं हो रहा है तो कैसे चुनाव जीतने आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो कैसे सामना करेंगे अरे भैया जाको राखो साईया मार सके ना कोई सच्चाई आप बोले आप एकदम सच बात बोले ना ही मेरा पास पैसा है पैसा जोड़िए ना ही चंदन यादव के पास पैसा है ना ही कोई हम कमेटी बनाए हैं ना ही कुछ है लेकिन लेकिन एक सवाल है ये लोग के पास पैसा है ये लोग के पास एक तो कमल का छाप है एक जन के पास पंजा का छाप है यही है ना और ये लोग के पास क्या है ये लोग के पास ये ए... 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 मेरा बस कंप्लीट होने दीजिए पत्रकार भाई आप कितना जानते हैं पूर्वी को बॉस पूर्वी को चंदन यादव जानता है उसकी बीवी जानती है मेरा गरीब जानता आप क्या जानते हैं पत्रकार भाई लोग पूछे तो रघुवर दास से सवाल उसकी उसकी जो बहू है पूछिए कुछ लोग बोला था कल अरे समर्थन करिए ना चीज का समर्थन चोर चमार है का? जा को समर्थन लो चंदन यादव बोलता बहुत क्यों लड़ाया क्यों भाजपा कर दी बहुत अपने आप को मतलब बोलता है कि बहुत साफ सुथरा पार्टी नीट एंड क्लीन किसको किसको टिकट दिया बता, बताया पता तो आप लोग को सबको है जो पूर्णिमा दास रघुवर दास की बहुत बो, लोग बोलता रहे वो लड़की है मत बोलना क्यों नहीं बोलेगा प्रत्याशी है क्यों नहीं बोलेगा क्या कहा थी हो? वो वो कहा थी क्या अपने ससुर जी को बोली कि कोविड में हम निकल के काम करेंगे वाह लेने टाइम में तो ससुर जी दे दिए टिकट क्यों भाजपा के लोग अरे अभी भी मेरा भाई भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व जो जमशेदपुर में चंदन यादव को आशीर्वाद दे दो आपको मां की कसम सम्मान देगा सम्मान देगा और चंदन यादव के साथ कार्यकर्ता नहीं रहता है परिवार बन के वो मेरा परिवार बनता है उसको अधिकार चंदन यादव दिया है कि मेरी गलती में भी डायरेक्ट पूछ रहे है। चंदन तुम गलत कर रहा है ये अधिकार हम दे रहे बॉस भाजपा में होगा पूर्णिमा दास से कोई भी लोग प्रश्न कर पाएंगे पूछे तो आज डर डर के जी 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 ऐसा कर रहा है बाप रे बाप हम तो डर जाते हैं कभी कभी अपना माँ बाप का पैर नहीं छूने वाला आदमी वो वहां पे जाके यस सर, यस सर 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 डॉक्टर अजय कुमार कर रहा है क्या यार माँ बाप का सेवा नहीं प्रणाम नहीं और गुलामी कर रहा है वैसा लोग कुछ कुछ तो लोग है बॉस अपना हाथ पनियागिरी का हद पार कर दिया है चमचे ये चलाना भाई सारे लोग न्यूज वाले आए हैं चूकी हम सुबह से थके हुए थकता नहीं है चंदन यादव शरीर है हमारा भी जरूर शारीरिक रूप से हम थके मानसिक रूप से बहुत मजबूत किसी से डरता नहीं है कुछ चूंकि हमको खरीदेगा कौन जो आदमी अपना घर का पांच करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया शहर का कर्जा ले लिया चालीस पचास लाख रुपया है देंगे ईमानदारी से देंगे वो परिवार को भी चंदन यादव आज वो परिवार भी सपोर्ट कर रहा है एक तो शीर्ष नेतृत्व भाजपा का मेरा खिलाफ में बा बाप प्रचार ऐसा किया बोलता वारेंट है अब हम कहा नाम बताए उनका तो टिकट कट गया रघुवर दास जी टाई टाइप फिस कर दिया जानता है चंदन यादव हाँ ना उनका तो टिकट कर पी हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहा डकना फलना ढकना इतना रुपया लिया हुआ ए, ए, ए। कहा नहीं पुलिस आज गिरफ्तार किया पूछिए ना सवाल ये भाजपा लोग से पूछिए भाजपा में अच्छे लोग है निश्चिंत है लेकिन अच्छा का मतलब क्या होता गुलामी करना ये तो भाजपा में थे ना हमारा एक समाज सेवी भाई था मिल लिया और उसके लिए लोग और एक तो बात समझे जो भाजपा में सोचता नहीं है लोग नेताजी सोचते नहीं जो जाके मिल लेते हैं। उसके लिए वो कितने लोगों से दुश्मनी लिया कितने लोगों से लड़ाई लिया लगा ए एंबुआ बंटी सिंह कितना लड़ाई लड़ा कितना केस मुकदमा हुआ काले भाई कहा चल गए पूछो यार काले भाई से सवाल पूछो कि कितने कार्यकर्ता का मान और सम्मान को ठोस पहुंचा है चुनाव लड़ने में दम नहीं था आपका क्यों नहीं था इसका मतलब आप लोग ढोंगी है ये लोग पूरा तीन पची आए भैया चंदन यादव जीता तो होशमें रहना एक गलत काम और ट्रक ट्रुक सब बिक जाएगा वो होटल होटल जो बना है ना फाइव स्टार सेवन स्टार उसमें गरीब का घर गर बनेगा गरीब का हराने का पूरा कोशिश करो ना यार हम तो कोशिश करेगा जीतने का तुम हराने का कोशिश करो हम डरता नहीं है कौन कौन था उस दिन सरयू चाचा क्या बोले थे रघवर परिवार क्या बोले थे आतंक क्या बोले थे पूर्वी मांगे परिवर्तन क्या बोले थे टोयला डूंगरी याद है चाचा जी से तो पूछो अभी बोलते हैं एनडीए का गठबंधन और बहू रानी के साथ में टिक फोटो खिंचा रहे थे कल क्या हुआ ईमानदारी खत्म फीस बन्ना गुप्ता को बोलता अरे बन्ना गुप्ता तो लड़ रहा है जीतेगा चाचा कई एंगल से नहीं आई है पचास हजार वोट से आप नीचे रहिएगा चुकी जो लोग बोलता है बोल लो कोई बोलता हमको कांग्रेसी है तो कोई बोलता बन्ना गुप्ता का तो हालात। हालात चलाइए ग्राउंड रिपोर्ट चलाओ ग्राउंड रिपोर्ट लोग परेशान है और मेरा युवा भाई एकदम आज स्ट्रिक्ट आपके प्रेस के माध्यम से बोल रहे आप चलाओ मेरे युवा भाई हजार दो हजार लेके तो जरूर तुम एक दिन का हजार पति बन सकता है लखपति तो नहीं ना बन रहे हो एक दिन का हजार पति बन सकते हो लेकिन वोट मत बेचो वोट बेचा आप अपने बच्चों के मुंह में आने वाला जो पीढ़ी है उसका खलासा हो रहा है खात्मा हो रहा है अरे यार ईमानदारी से वोट दो ना है ये लोग है डॉक्टर अजय कुमार का है क्या निर्दलीय लड़ेगा दस तो वोट नहीं आएगा दस तो वोट चैलेंज करता है यार कुछ कुछ लोग देखता तो हंसता है बोलता अरे यार क्या बोल रहा है अरे देखो तू तो ग्राउंड में चंदन यादव का पास क्या है ना सिंबल ना पैसा ना बड़ा पार्टी ना संगठन हाँ समाजवादी पार्टी से मेरा चल रहा था वार्ता लेकिन मौका इतना गेम खेला मिलूंगे बाप हम तो जानता भी नहीं था ऐसा भी होता है हमको तो नॉमिनेशन के लिए रोक दिया है लोग क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक तो आदमी फोन किया भैया आपको टिकट दे रहा कन्फर्म ए बी सी डी तीन पांच सब किया हम यहाँ से दिल्ली गया सब कुछ दे दिया लेकिन सिंबल ही नहीं दिया बोल रहा सुबह भेज देंगे सुबह ही नहीं हुआ हम फोन करता फोन नहीं उठाना फोन करता चारों तरफ में हम जनता को बोल दिया है कि भाई हम समाजवादी पार्टी से लड़ा, से साइकिल लड़ तो इसको तो ऐसे करके तीन पांच करके हटा देगा तो इसका वोट जो आएगा इसको तो वोट आ रहा है तो इसके वोट का जो तीन पांच होगा वो तो ना हो तो हम हाँ समाजवादी पार्टी का लीडर करते तो दिल्ली फोन लगाया हम बोला सुनिए पनियागिरी मत करिए आपका नेता लोग जो है ना झारखंड में पहचान तो है ही नहीं अलग बात है चंदन यादव एक पहचान तो देता पार्टी को ईमानदारी से बोलो आप लेकिन ठीक है जाको राको साइया मार सके ना कोई बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं जीत हार हमारा मैनिफेस्टो नहीं है हाँ जरूर इस बात का मलाल रहेगा कि अगर सामाजिक व्यक्ति अगर चुनाव नहीं जीतेगा भाई तो चोर लोग जीतेगा तो तो तकलीफ तो होगा तकलीफ तो होगा जरूर हम अपने आप में घर में रोएगा एकदम रोएगा कंबल लोड के रोएगा हे भगवान हे ईश्वर ऐसा भी दुनिया है क्या कि काम करने वाले लोगों का वोट नहीं जिसका पास पैसा जिसका पास एक तो नेम है, आईपीएस, और अभी कुछ नहीं ग्यारह साल गायब पूछिए ना भाई डॉक्टर साहब से ग्यारह साल कहाँ थे क्यों नहीं लड़े लोकसभा डर रहे थे डरते हैं ए आनंद बिहारी दुबे को टिकट कटवा दिया बोलता तो कांग्रेस में तो देख दे तीन चार लोग है और कांग्रेस के इतना बड़ा पार्टी भीड़ कर साढ़े तीन सौ का अरे डॉक्टर साहब अभी भी है तीस तारीख बचा है नाम हटवा लीजिए आशीर्वाद दे दीजिए चंदन यादव मजबूत से लड़ेगा लेकिन नहीं करेगा लो। ये लोग ये लोग को तो भाई कुर्सी का जो तो ऐड आता है फेबी कॉल का जोड़ इस टाइप का डॉक्टर अजय कुमार रघुवर परिवार नहीं तो आप बताइए तो भाई सभी सभी लोग बताइए क्या बीजेपी में अच्छा लोग नहीं था अभी डॉक्टर अजय कुमार तो गेम खेल रहा है क्या गेम खेलता है मालूम है ये चार तो आदमी का नाम बताता है एक तो राम बाबू तिवारी का नाम बताता है एक तो शिव शंकर सिंह का नाम बताता है एक तो दिनेश का नाम बताता है ये तीन आदमी का नाम हर न्यूज में बता रहा क्यों क्यों भैया आपका पार्टी खत्म है क्या आप अपना पार्टी से तो कुछ पूछो कांग्रेस से कहा था जिला का अध्यक्ष पूछिए तो इनसे आप चुनाव लड़ रहे हैं आपका पार्टी का जिला अध्यक्ष वेर वेर इज इट कहा था आपका जिला का अध्यक्ष जिला में चुनाव और ऐसे लोगों को, को कोई भी पार्टी है कोई भी पार्टी हम तो किसी भी पार्टी का बोलते हैं आप देखें शंकर सिंह जी अकेले लड़ रहे हैं निर्दलीय भी लड़ रहे हैं भगवान ना करे वो तीस तारीख को वापस लेंगे अगर अपना क्या बोलता है तीस तारीख को से पहले आपस लेने वाला जो प्रक्रिया होता है हम तो पहला बार लड़ रहे हैं नहीं ले हम तो ये माता रानी से मनाते चुके लड़ना चाहिए लेकिन पार्टी ने सस्पेंड किया नहीं किया कहीं पे निगाह है कहीं पे निशान है डॉक्टर अजय गिमबाज है लो गिमबाज पोल खोलेगा लायंस क्लब में क्या किए थे डॉक्टर अजय को चलाना भूला नहीं है हम हर वीडियो है और कुछ कुछ लोग बोलता नहीं ज्यादा बोलता अरे ज्यादा नहीं बोले तो जनता समझेगा कैसे कि हम क्या सच बोला क्या झूठ बोला इसका ऐसा है क्या मेरे पास तो रुपया नहीं है लेकिन प्यार है एकता है और काम है कोरना कोरना में जो काम किया डॉक्टर किया है तो सरयू चाचा भाग गया डॉक्टर जी कि नहीं भागा ये तो आतंक किया टोला डूंगी में चाचा भतीजा लो किया कि नहीं गोरदास आता था गुमटी वाला को भगा दिया बिरसा नगर को गाली दिया नगर को क्या क्या नहीं बोला पूरा पूर्वी की जनता को बोलता था नहीं वोट देगा तो हम जीत जाएंगे तेरा तेरा वोट नहीं देने से हार जाएंगे ये घमट और आज भी लोग अब बोलता है कि बहू है अरे बेटी है अरे लड़की है लड़की और लड़का में फर्क क्या है यार सोचता बोलेंगे नहीं पूरा बोलेंगे कहा थी मेरा पूर्णिमा भाभी कहा थी कोरोना में गोलगप्पा खाने जा सकते हैं गोलगप्पा का गोलगप्पा लगा घर नहीं जाएगी पूछिए गोलगप्पा लगा घर जाके कभी कि गोलगप्पा वाला तेरा घर में तेरा बच्चा कैसा पड़ता है गोलगप्पा का वीडियो आप डाल सकती है पूर्णिमा भाभी लेकिन गोलगप्पा का बच्चा भूखा मरता है उसका वीडियो ये नहीं डालेगी और बोलता है कि पहला बार चुनाव नौटंकी अरे भाजपा के लोग अभी भी हाथ जोड़ रहा चंदन यादव नस्तमस्तक है तुम्हारे आगे जो ईमानदार कर्मठ का युवा कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता साथ दे दो भाई आपको नया पूर्वी का जन्म दिखाएगा चंदन यादव उसका जन्म होगा और दिखाएगा विकास कोई ये लंद फन तीन पांच नहीं विकास दिखाएगा कि विकास का मतलब विकास का मतलब विकास वाला नाम नहीं रहेगा मोहल्ला मैनिफेस्टो नहीं मेरा एकदम दृढ़ संकल्प है जीता पांच दिन नॉमिनेशन शपथ उपत जो होता है जो जो प्रक्रिया होता है हम तो जानता नहीं हो करेगा आएगा ठेकेदार लोग का मीटिंग करेगा हम जितना ठेकेदार है जो काम करता है बिचारा लोग वो लोग एक तो बात बोल देगा एकदम श्योरिटी देगा भाई आप लोग किसी भी तरह का हमको कमीशन नहीं चाहिए लेकिन काम गुणवत्ता करना नहीं तो माँ की कसम जेल भेजेगा चंदन यादव वो सब ने वो काट दिया वो फलना हो गया वो ढकना हो गया ये ठेकेदार ने तो दूसरा ठेकेदार वो सब नहीं काम करिए किसी को पैसा देने की आपको कोई माइकल लाल गुंडा लोग यही गुंडा लोग जिसको रघुवर दास परिवार बैठाया था अगल बगल क्या करता है आतंक का माहौल नहीं मालूम है सिद्धगोड़ा में क्या आतंक है बोलेगा बोलता बोलता है क्या आतंक है बस में कहा है पुलिस ये एक भी माँ की कसम एक भी ठेकेदार से ऐसा नहीं है कि ये का मंथली नहीं जाता है अरे लोग जी, 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 जी। अरे हम डरता है जाको राखो साई मान हम तो हम तो एसडीओ मैडम को बोला देखिए मैडम मेरा आवाज कड़क होगा चूंकि हम जनता के बीच जा रहे हैं हमको ऐसा अंगरक्षक दीजिएगा कि वो अंगरक्षक सिर्फ मेरा पीछे आगे नहीं घूमे जिसका नजर चारों तरफ रहे कि तीन पछिया लोग का कर रहा है तो मार देगा तो ऐसे तो हम डरते नहीं ईश्वर सर्वोपरिय लेकिन पूछते हैं भाई आप चलाओ कौन बैठा था पूर्णिमा दीदी गुंडा लेके बैठती है मेरा पूर्णिमा दीदी बोलो भाभी माँ बोलो गुंडा का परिवार है क्या गुंडा को लेके बैठी थी बगल में हाँ जरूर उस गुंडा का थोड़ा उम्र हो गया है हम समझ सकता है समझ सकता है संस्कार है पैर छूए बड़ों का पैर छूने का वो चंदन यादव नहीं बोल रहा है लेकिन आप तो वोट मांगने जा रहे हैं ना गुंडा का साथ तो सभी लोग जमशेदपुर की जनता एक गुंडा का साथ घूमता है लोग एक गुंडा का पंडाल उद्घाटन करता है इनके इनके ससुर जी आए थे रघुवर दास जी कितना गरीब का पंडाल में गया बॉस ये तो बोलो गरीब भी पूजा करता गया क्या

हम उसका नौकर वो मेरा मालिक और उसको हम अधिकार देगा हक देगा हम रघुवर वाला परिवार है क्या हम गुंडा है क्या है टेबलेट होता भैया बताइए तो आप लोग का का टेबलेट होता है टेन टेन, है? टेन, और टेन पेन चलेगा और देन हो जाएगा, वो सब चलेगा उसी ने ना बैठाया गुंडा एक तरह बैठा लिया तो पैसा वालों को बैठा लिया पूछिए लोग से पैसा कहाँ से आता है रघुवरजाज दास जी आपकी बहू जो चुनाव लड़ी पैसा जो खर्चा कर रहे हो आप वो कहाँ से आ रहा है आपका बहू का इनकम ऑफ स्रोत क्या है मीडिया पूछो डॉक्टर अजय कुमार से पूछो डॉक्टर अजय कुमार जी आप कटक कर्नाटक बेंगलोर तो दिल्ली जमशेदपुर की जनता आप सांसद बने थे बस एक तो रोजगार दिखा दो कि परमानेंट रोजगार कहीं दिलवाया हो है ये ये लोग लोग बोलते हैं उसको भूल जाता है यार ये लोग अलग टाइप का इंसान है उसका चेहरा कुछ और दिखता है देखते हैं कोट उट डॉक्टर साहब का बाल उल देखते हैं डॉक्टर है लग गया है पढ़ा लिखा व्यक्ति है चलो लेकिन पढ़ा लिखा तो क्या है चोरी करने देगा चंदन यादव लड़ाई तो लड़ेंगे बॉस मार्केट में दिखाएंगे जनता को बताएंगे जनमानस को बताएंगे हकीकत का रूप दिखाएंगे हमको कुछ कुछ नेता को हम फोन किया है भी चलाइएगा वो भाजपा का भी नेता हो कांग्रेस का भी नेता हो उनका घर भी चंदन यादव गया रात बजे भी गया बजे बजे भी भी गया भी गया आशीर्वाद के लिए मांगा भी है साथ भी मांगा है लेकिन हम जानता है हम जानते हो हमको बुड़बा ना समझो हमको गेम से गाता मालूम है हमने चार लाख रुपया लगा दिए बॉस ये फलना ढकना और चार लाख लगाओ तुम चालीस लाख लगाओ लगा। हमको कहा मतलब है लेकिन चंदन यादव नहीं इस बार टेम्पू वाला जीतेगा गरीब जीतेगा मध्यम वर्ग का लोग जीतेगा बोलता मुसलमान अरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब सा, भाई भाई प्योर कट्टर हम हम धर्म में के में के अनुसार तो कट्टर हिंदू है कट्टर सनातनी है बॉस क्या बात करते हैं घर से निकले माँ मनोकामना का पूजा किए अपनी माँ पिता का पहले पैर छुए आज माँ मनोकामना का पूजा किए राम जी का मंदिर में गए हनुमान जी का पूजा किए ये तो मेरा धर्म है तो मुसलमान अपना धर्म में अगर अपने धर्म के अनुसार पूजा करता तो किसी को क्या प्रौब्ला, प्रौब्ला क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम लेकिन मेरा मेरा क्षेत्र विधानसभा में खासकर ना हिंदू होगा ना मुसलमान होगा ना जाति होगा ना धर्म होगा बच्चों की शिक्षा बच्चों हर गरीब का बच्चा हो अमीर का बच्चा हो मध्यम वर्ग का बच्चा हो कोई माए का लाल स्कूल चलाना भैया स्कूल तीन पांच कर लेगा डोनेशन मांग लेगा वो बेटा तीन पांच अलग का बोलता है लॉटरी लॉटरी होगा लॉटरी कागज वाला लॉटरी होगा कंप्यूटर लॉटरी नहीं होगा कोई री एडमिशन पी एडमिशन नहीं होगा कंप्यूटर लॉटरी सेटिंग कर देता है कंप्यूटर को और आधा रात तक तो पैसा खा लेता है लोग डोनेशन का नाम पे और उसी का नाम आएगा जिसको कंप्यूटर में सेटिंग कर दिया तो ईमानदारी से चंदन यादव जमशेदपुर पूर्वी की जनता को यह बता रहा है आपके बच्ची की शिक्षा की जिम्मेदारी चंदन यादव का होगा उसका किताब है कि नहीं है फीस दे रहा है कि नहीं दे रहा उसका घर में क्या स्थिति है और हर घर का लोग अपने घर का मालिक बनेगा और एक एक दिन चंदन यादव का कतरा बहेगा कितना भाजपा ने प्रदर्शन किया है मालिकाना हक के नाम पर 25 साल दिया रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया दिया क्या उसको घर दिया नहीं दिया अरे चुतिया बनाया बेकूप बनाया आप नहीं जानते भैया सूर्य मंदिर में कितना नंगा नाच किया भैया कितना नंगा नाच किया गरीब का बेटी का सोन मंडप में शादी नहीं होता है चंदन यादव आ या, या गोलगप्पा का बेटी का भी वही शादी होगा जहाँ एक अमीर का होगा। कोई भेदभाव नहीं होगा